तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने स्मार्टफोन का हम लोग रिचार्ज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप स्मार्टफोन को रिचार्ज कर रहे हैं तो आपका स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से आप रिचार्ज कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। देन चेक वैलिडिटी पे पहले क्लिक करेंगे। पहले अपने स्मार्टफोन को चेक करेंगे, अपने सीरियल नंबर को डालेंगे। चार अंक डाल लेने के बाद जो एक जैसा है ना, वो एक नहीं आई है, इसको केवल आपको ध्यान में रखना है। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार नहीं, आपको दो बार सबमिट पे क्लिक करना होगा, तब जाकर आपका दिखाएगा। देन आप देख सकते हैं नीचे की ओर। चलिए मैं जूम करता हूँ। डिवाइस इज वायलेट बट नॉट वाइट लिस्टेड। आपका डिवाइस सही है लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब इसका अब रिचार्ज खत्म हो गया है। चलिए हम लोग अब रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे। देन आपको रजिस्टर आरडी सर्विस पे क्लिक करना होगा। देन नीचे आएंगे, पूरा नीचे बाय आरडी सर्विस, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देख सकते हैं चार अंक के बाद तो जो रेड कलर में है वो आई है, नॉट वन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे, कितने साल को आप परचेज करना चाहते हैं, कितने साल तक, मैं एक ही साल रखूँगा। फिर यहाँ पे अपने डिवाइस का सीरियल नंबर डालेंगे, फिर डिवाइस का मॉडल डालेंगे। अब डिवाइस मॉडल नंबर डालेंगे, इन तीनों में से किसी एक नंबर होगा आपके पास भी जो कि आपके स्मार्टफोन पर लिखा हुआ होगा उसके बैक साइड में। देन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे, कंसर्न देंगे, उस पर टिक कर और चेकआउट पे क्लिक करेंगे। पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यदि आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, यदि अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट बना लेना है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं पहले लॉगिन करूँगा। चलिए ईमेल और पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करूँगा। साइन इन पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है और बनाने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। देन साइन इन पर क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर को डालेंगे, यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे, देन आपको विलिंग एड्रेस को आपको फिल करना होगा, लाइक आप किस कंट्री में रहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कंपनी नेम को छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। एड्रेस को फिल करें, अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। देन पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेट और पिन, और लास्ट में अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। देन कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, देख सकते हैं 442 रुपये आपको कटेगा जीएसटी वगैरह मिलाकर। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहले पेमेंट करना होगा, किसी भी एक मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैं यूपीआई को सेलेक्ट करूंगा। आप किसी भी एक मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। देन अपने यूपीआई मैं किसके जरिए करूंगा, यूपीआई के जरिए, लाइक फोन पे। अपने फोन पे का यूपीआई आईडी को यहां पर फिल करेंगे। देन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी फिल कर लेने के बाद देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है। देन प्रोसीड, वेरीफाई हो चुका है, नीचे आपका नाम भी दिख जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, आपके फ़ोन पे पे एक आपको मैसेज चला जाएगा, 442.50 रुपये का। चलिए हम लोग क्लिक कर देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। हम पे पे क्लिक करेंगे क्योंकि मेरे को पे करना है। पे पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे फिर क्लिक करेंगे। देन पे अपने यूपीआई आईडी को डालेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट कम्प्लीट हो चुका है। आपके सामने देख सकते हैं 442.50 रुपये कट चुका है। देन अपने पेज पे आएंगे, फिर से पेमेंट कर लेने के बाद देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है, आपके सामने दिख रहा होगा सक्सेसफुली, और पूरा एड्रेस भी आपको दिख रहा होगा। देन कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, होम पे क्लिक करेंगे कि मेरा रिचार्ज हुआ है या ना। चेक वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। देन अपने सीरियल नंबर को डालेंगे और दो बार सबमिट करेंगे, एक बार नहीं दो बार सबमिट करेंगे। देन आप देख सकते हैं नीचे के साइड में कि आपका जो स्मार्टफोन है वो रिचार्ज हो चुका है, और उसका डेट वगैरह भी दिखा रहा है कब एक्सपायर होगा और कब ये एक्टिवेट हुआ है, आप कब रिचार्ज किए हैं, ये सब आपके सामने दिखा रहा होगा, देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग आरडी सर्विस स्मार्टफोन का हम लोग रिचार्ज करते हैं। यदि अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा। वहाँ से और भी ज़्यादा आप नॉलेज ले सकते हैं और अपडेट आप रह सकते हैं कब क्या हो रहा है उस पर। ऐसे ही मैं डालता रहता हूँ पोस्ट वगैरह, इसीलिए आपको ज्वाइन कर लेना यदि आपका मन हो।